हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला सिटी में मनोविकार तज्ञ करके प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है जिसमें हम मेंटल पेशेंट को बिना रिश्तेदारों के साथ में, मतलब बिना रिश्तेदार हम रखते हैं, और एक जो हॉस्पिटल है वहाँ मेंटल पेशेंट रिश्तेदारों के समेत रखते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीवन जीना कब है। जीवन जीना कब होता है? जीवन जीना अभी होता है। हम क्या करते हैं कि भविष्य के बारे में हम चिंता करते रहते हैं। ये हो जाएगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, मुझसे ये मिलेगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, पैसा मिलेगा तो हैप्पी हो जाऊंगा, ऐसा हम भविष्य के बारे में सोचते हैं। और वो जब भी मिलेगा तो भविष्य में हैप्पी हो जाऊंगा हम बोलते हैं। मगर भविष्य के बारे में हमको जो चिंता होती है या भविष्य के बारे में जो भी हम सोचते हैं, वो सोचते कब है? अभी, राइट नाउ, इस वक्त हम सोचते हैं। हमको भूतकाल के बारे में काफ़ी हम सोचते रहते हैं कि ये हुआ तो मुझे डिप्रेशन आ गया, उसने ऐसा बोला इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। भूतकाल के बाद में हम अपसेट होते हैं, भूतकाल के बारे में काफ़ी जब सोचते हैं तो उसके बारे में जब ज़्यादा सोचना होता है तो उसकी वजह से हमको डिप्रेशन आता है या अपसेट हो जाते हैं। भविष्य के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमको टेंशन आता है, एंग्जाइटी आती है, चिंता होती है, चिंता रोग होता है। मगर भविष्य के बारे में चिंता होती है या भूतकाल के बारे में डिप्रेशन होता है, अपसेट होता है, मगर होता कब है? अभी होता है, इस वक्त होता है, इस मोमेंट में। तो जीवन कब जीना है? अभी, इस वक्त, मोमेंट बाय मोमेंट बाय मोमेंट। मगर हम ऐसा जीते नहीं है। हम तो जीते हैं कि भाई एक दिन जीऊंगा, जो भी होगा एक दिन हम करेंगे, और हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। गौतम बुद्धा ने उनको पूछा कि भाई एनलाइटनमेंट कब होता है, तो उन्होंने बोला कि भाई खाने के समय खाना, सुनने के समय सुनना, बोलने के समय बोलना, सोचने के समय सोचना, जो आप कर रहे हैं उस समय वो पूरा 100% करना, उसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट। पर हम करते क्या है, टीवी देखते हैं तो खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो आपस में चर्चा होती है और वाद विवाद हो जाते हैं, और जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा ख्याल ही नहीं। हमको हर चीज जो है वो हमको, हम जो जी रहे हैं वो कुछ तो भी अलग क्षण के लिए जी रहे, अभी नहीं है, राइट नाउ नहीं है, इस क्षण में नहीं है। समझो जो भी मुझे दुख हो रहा है आज, वो पास की वजह से हो रहा है। समझो अभी मेरे पास में एक मशीन है और वो मशीन से मैंने पूरा मेरा अतीत जो है वो निकाल दिया, या आपका पूरा अतीत मैंने मशीन से निकाल दिया। अभी आपके पास में कोई अतीत ही नहीं, भूतकाल ही नहीं, फिर आपके पास में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। जब अतीत ही नहीं है, पास नहीं है, तो फ्यूचर भी नहीं। तो घर में रोज एक यज्ञ चालू करो। यज्ञ वो है कि जिसमें आप सुबह उठने के बाद में रोज अपना भूतकाल जो है उसको स्वाहा करेंगे, वो यज्ञ में डाल देंगे। या वो मशीन लगाओ, एक इमेजिनरी मशीन भेजे को ब्रेन को, और उसे जैसा पास पूरा निकाल दिया ऐसा कल्पना करो। पास निकल जाएगा तो फ्यूचर भी नहीं है, भूतकाल भी नहीं है, जो भी है कब है? आज जीने का है, और मजा आएंगे। लोगों को हम बदलने में लगे हैं। कबीर ने कहा है, संत कबीर ने, कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोय। लोगों को हम देखते हैं तो उनको लगता है कि वो बुरा है, ये बुरा है, ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है। तो हम परिस्थिति बदलने में, लोग बदलने में पड़े हैं। जब तक हमारी मनस्थिति बदलेंगी नहीं, तब तक परिस्थिति बदलने वाली है नहीं। जैसी दृष्टि रहेगी वैसी सृष्टि रहेगी। तो दृष्टि हमारी कैसी, हमके हमारी हमको दृष्टि बदलने का है तो सृष्टि बदल जाएगी। तो आज मुझे ये बताना है कि जीवन जीना अभी है, इसी वक्त है, यह क्षण में है। तो आनंदी कब होना है, खुश कब होना है? इस वक्त। खुशी अभी, दुख भी अभी, चिंता भी अभी, जो भी है वो अभी है। और तैयार करने वाले कौन है? हम ही हैं। तो फिर हम क्यों क्षण क्षण में आनंद तैयार नहीं करेंगे? क्षण क्षण में हम आनंद तैयार करेंगे, क्षण क्षण में हम सुख तैयार करेंगे, क्षण क्षण में उत्साहित रहेंगे, और ऐसा हम जिएंगे, देखो जीवन जीने में कितना मजा आएगा। ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे आपके परिचित की जो भविष्य में उलझे हुए हैं, क्या होंगे क्या नहीं, या भूतकाल में उलझे हुए हैं, पता नहीं है। उनको जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। हमारा उद्देश्य जो है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। उसके लिए आपका भी हाथ लग जाएगा।
जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करो, फेसबुक ग्रुप के ऊपर शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फैल जाए और लोग मन से खुश और स्वस्थ हो जाए। थैंक यू वेरी मच।